Hey, morning. So today we're gonna talk about this BMW R90. And R90 जो है, this is the R90 Scrambler. And R90 Scrambler बहुत लोगों को मालूम ही नहीं रहेगा कि BMW का एक ऐसा वाला मोटरसाइकिल है. मे बी लोग ओनली दो तरह से ये बाइक को जानते हैं. वन इज टॉम क्रूज जब चला रहा था मिशन इम्पॉसिबल में, एंड द सेकेंड इज वेन ऋतिक रोशन वॉज राइडिंग इट ऑन वॉर. सो आज इसका पूरा डिटेल्स में देखेंगे. स्पेक्स सीट हो गया, मतलब डिटेल्स, प्राइसिंग क्या है, बाकी इसका दो वीडियोज आएंगे. टुडे इज जस्ट माई फर्स्ट इंप्रेशन द वॉक अराउंड वीडियो. द सेकंड वाला वीडियो आएगा, दिस विल बी कमिंग बाय नेक्स्ट वीक, वेयर वी आर गोइंग टॉक अबाउट द प्राइसिंग एलिजिबिलिटी एंड कैसा क्या लोन एलिजिबिलिटी जो भी रहेगा उसका पर अलग से वीडियो होगा. अभी के लिए वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द वॉक अराउंड एंड द फर्स्ट इंप्रेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेक्स. सो दिस इज द 1170cc डुअल सिलेंडर एंड दिस इज द एयर कूल्ड इंजन. इंजन का जो BHP है, मतलब पावर जो है, दैट इज अराउंड 109 BHP, 118 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड वेट इज समवेयर क्लोज लाइक 220 किलोग्राम्स. जो टैंक का कैपेसिटी है दैट इज 17 लीटर्स. माइलेज विल बी समथिंग क्लोज लाइक 12-15 लीटर्स. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडिया में लोग पूछते हैं कि भाई इसका सर्विस का चार्जेस क्या रहेगा, तो अगर आप 10,000 किलोमीटर से नीचे चलाते हो हर साल, तो हर साल आपको सर्विस विल बी लेस देन 14,000 रुपीज़. मतलब वही 10, 12 या 14,000 के अंदर आपको एक सर्विस का आएगा अगर आप 10,000 किलोमीटर से कम चलाते हो. अगर उससे ज़्यादा चलाते हो उसके बाद और एक बार आपको सर्विस करना पड़ेगा. दिस इज बेसिकली इट इज इंजन दोनों तरफ से है. दिस इज द बॉक्सर इंजन, द सेम इंजन विच यू गेट इन द BMW GS. सो दिस इज द 1170cc एंड द इंजन पावर इज क्लोज, पावर डिलीवरी इज 109 BHP. ऑलराइट, सो नाउ द फर्स्ट इंप्रेशन द वॉक अराउंड. सो सबसे पहला शुरू करते हैं अपना टायर्स वगैरह. सो दिस इज द 120 फ्रंट एंड द पीछे जो है दैट इज अराउंड 170 या 180 एंड इट्स कमिंग विद द ब्रेम्बो ब्रेक्स कम्प्लीटली. ये जो है उनका पूरा रेट्रो स्टाइल का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन. लाइट इज कम्प्लीटली LED वाला लाइट्स है एंड दिस इज द रेट्रो स्टाइल अगेन. द स्पीडोमीटर टोटल क्लासिक वाला. सबसे बेस्ट है स्क्रैम्बलर्स वाले मॉडल में कभी भी आप तेल का रेंज नहीं दे सकते. तो अगर आप तेल भरते हो आपको खुद को मतलब एस्टिमेट लगाना पड़ेगा गाड़ी कितना दूर जाएगा. इसका भी वैसे ही नहीं है कि कितना तेल अभी है, कितना तेल आपने भरा है, कितना रेंज है, इसमें भी नहीं दिखाता. इन द सेम इज विथ माई डुकाटी स्क्रैम्बलर एज वेल. डुकाटी स्क्रैम्बलर इन द BMW R90 स्क्रैम्बलर बोथ डजंट शो यू द फ्यूल वाला रेंज. सो जो टैंक है दिस इज द 17 लीटर्स ऑफ टैंक. माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइक क्लोज टू 14-15. फिर यहाँ जस्ट बेसिक ऑप्शंस, मेन्यू वाला ऑप्शन, या फिर यहाँ से मेन्यू में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि आप ओनली सेटअप वेटअप कर सकते हो, ABS ऑन ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो. दिस कम्स विद द ABS प्रो. राइडिंग मोड्स इसमें दो है, वन इज द रेन एंड द अदर इज द रोड. राइडिंग मोड्स दो, ABS ऑन ऑफ, ट्रैक्शन ऑन ऑफ. ये जो कलर है दिस इज द कैलामेटा मैट कलर एंड सीट इज पुअर प्योर लेदर वाला. बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज द एग्जॉस्ट. तो दिस इज कमिंग विद द एक्रोपोबिक फुल, मतलब फुल तो नहीं बोल सकते, दिस इज एक्रोपोबिक एग्जॉस्ट विद द कैटलिटिक कन्वर्टर भी है एंड साउंड इज जबरदस्त. एंड आगे जाकर आई विल शो यू द एग्जॉस्ट नोट एज वेल. सो ये वाला जो है स्क्रैम्बलर का बेस्ट इज दिस, मतलब ये एग्जॉस्ट वाला पार्ट. इट जस्ट लुक्स सो गुड, यू डोंट हैव टू चेंज एनी अदर एग्जॉस्ट बिकॉज इट्स ऑलरेडी कमिंग विद द एक्रोपोबिक एग्जॉस्ट. तो यहाँ हो गया इंजिन, देख सकते हो. अगर लोगों को लगता है कि भाई R90 इतना बड़ा क्यों दिखता है दोनों, द थिंग इज इसका जो सिलेंडर दोनों तरफ से निकल के है. तो इस तरफ एक सिलेंडर है, इस तरफ एक सिलेंडर है. अब इसका स्टार्टअप करके देखते हैं क्या है. देख सकते हो यहाँ बस खाली एक छोटा वाला डिस्प्ले है. यहाँ से कोई स्पीडोमीटर, क्लासिक वाला स्पीडोमीटर, यहाँ से ABS, फिर यहाँ से रेन. यहाँ आपको ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिलते हैं. रेन, किलोमीटर्स, आपको किलोमीटर का किलोमीटर ए, ट्रिप ए, ट्रिप मीटर. एंड ये गाड़ी का जो सबसे यूनिक वाला चीज़ है वो है एग्जॉस्ट. नॉर्मली गाड़ी में एग्जॉस्ट इस तरफ रहता है, इसका इस तरफ है. तो ये एक बहुत ही यूनिक वाला चीज़ है. बेस्ट थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज इट्स कमिंग विद द एक्रोपोबिक एग्जॉस्ट. सो यू डोंट हैव टू बाय एनी अदर एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट. एंड ऐसा भी है कि ये जो एग्जॉस्ट इतना अच्छा सी वाला लुक ले आता है कि यू डोंट इवन हैव टू इवन थिंक अबाउट ए डिफरेंट वाला एग्जॉस्ट. अगर आप और कुछ भी एग्जॉस्ट लगाते हो ये वाला लुक ही चले जाएगा. बेस्ट थिंग इज एग्जॉस्ट इस तरफ है, टोटल यूनिक भी दिखता है एंड यू आर गेटिंग द पूरा फुल वाला एक्रोपोबिक वाला एग्जॉस्ट. सेकेंड थिंग इज इसका तो सीट हाइट जो है इसका थोड़ा हाई है. यू कैन सी दैट माई हाइट इज 5.8. आप देख सकते हो कि मेरा पैर पूरा नहीं पहुंच रहा है. फीट इज़ नॉट टचिंग द ग्राउंड. सो ये थोड़ा मतलब हाइट थोड़ा ज़्यादा है इसका. तो अगर आपका हाइट मतलब थोड़ा कम है मे बी यू कैन गो फॉर डिफरेंट सीट. तो इसका जो सीट का जो एडजस्टमेंट है थोड़ा यहाँ से थोड़ा एडजस्ट नहीं है और थोड़ा नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नीचे जाता नहीं है. अगर आपको और भी लोअर सेटिंग्स में चाहिए आपको और एक एक्स्ट्रा वाला सीट ऑर्डर करना पड़ेगा. इसका बहुत सारा ऑप्शंस आता है, एक बार जाकर BMW कैटलॉग देख सकते हो. सो ये वाला है इनका स्टैंडर्ड वाला सीट, फुल लेदर. दिस इज वन विच यू गेट विद द मोटरसाइकिल. एंड इसका तीन तरह का मतलब सीट हाइट का सेटिंग्स आता है. एक आता है वो ही शायद 815, फिर 820 एंड 830. This is somewhere around 820 mm right now. So if someone wants to know the seat height, this is 820 mm. Now talking about the wheels, the motorcycle is coming with the complete alloy wheels. अगर आपको spoke वाला wheel चाहिए वो extra add-on है, आपको उसके लिए आपको extra पैसा देना पड़ेगा. क्योंकि जो भी R90 scrambler लेता है they actually search for the अपना
स्पोक वाला व्हील ही ढूंढते हैं। स्पोक वाला व्हील आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके खरीदना पड़ेगा, बाकी द बाइक कम्स विद कंप्लीट एलॉय व्हील्स ओनली। एंड ये गाड़ी के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन है, BMW का ऑफिशियली बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे अपना व्हील हो गया, ये वाला जो स्पीडोमीटर है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपका हैंडल बार चेंज कर सकते हो, ये वाला जो मिरर है ये भी देख सकते हो, ये पूरा रेट्रो वाला मिरर है, ये पूरा ब्लैक मतलब गोल तरह का। बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा गोल वाला मिरर क्यों दिया गया है, मोस्टली लोग क्या करते हैं जो भी स्क्रैम्बलर खरीदता है ये दोनों मिरर्स को वो पहले खोल देते हैं, नहीं तो पूरा रिजोमा वाला जो शार्प वाला मिरर्स लगाते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर, यू कैन जस्ट गो एट एंड डू ए मतलब मैड कस्टमाइजेशन ऑन द R90s। अपना हैंडल बार चेंज कर सकते हो, मिरर्स चेंज कर सकते हो, यू आर स्पीडोमीटर चेंज कर सकते हो, लाइट्स में गार्ड्स लगा सकते हो, इंजन में गार्ड लगा सकते हो, सीट चेंज कर सकते हो, इसको पूरा टोटल अपना टेल टाइडी को रिमूव कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द मॉडल्स, सो दिस इज द R90 स्क्रैम्बलर। इसका और एक भी मॉडल आता है, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रीट एडिशन, दैट इज R90, जो कि आपने देखा था कि ऋतिक रोशन वॉज राइडिंग ऑन द वॉर मूवी। सो R90 स्क्रैम्बलर एंड जो R90 के बीच में डिफरेंस बहुत सारा है, इसके बारे में अपन और कभी एक डिफरेंस वाला वीडियो बनाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस, सो दिस इज द R90 स्क्रैम्बलर इज 16.75 लैक्स एक शोरूम। तो अगर आपको ऑन रोड यू हैव टू थिंक कि मतलब इंश्योरेंस एंड ये सब मतलब जोड़ जाड़ के रहे, रोड टैक्स जोड़ के, इट विल बी क्लोज लाइक 20 लैक्स ऑन रोड फॉर दिस मोटरसाइकिल। इफ आर लुकिंग फॉर द R90 द नॉर्मल स्ट्रीट एडिशन, इट इज गोइंग टू बी क्लोज लाइक 22 लैक, क्योंकि वो है 18.5 लैक्स। एंड द बेस्ट थिंग इज इसका ये जो कलर है, इसमें 3-4 अलग अलग कलर्स आते हैं। ये एक तो है अपना, ये है इसको बोलते हैं मैट वाला कैलामेटा मैट, और एक आता है ब्लैक एंड रेड, और एक आता है ब्लू एंड ब्लैक, और एक आता है ग्रे। ग्रे वाला तो दैट इज़ ए फ्री ऑप्शन, मतलब वही 16.75 में आ जाता है। अगर आपको ऐसा वाला स्पेशल वाला कलर चाहिए, यू हैव टू पे मोर 30,000 or 40,000 एक्स्ट्रा। सो बेसिकली कलर्स के लिए आपके पास 4 ही ऑप्शन है। और एक जो एडिशन है 719 एडिशन R90 का, आई एम नॉट श्योर वाई इट्स नॉट कमिंग टू इंडिया, वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा दिखता है। सो बाकी वो वाला ऑप्शन अभी इंडिया में नहीं है, इंडिया के लिए अभी आपके लिए ओनली यही 4 ऑप्शन ही है। तो मॉडल्स का वही है कि 2 मॉडल्स है, प्राइसिंग का यही है 16.75 फॉर दिस, एंड द R90 इज अराउंड 18.5 लैक्स, ऑन रोड दैट विल बी क्लोज टू 22 लैक्स, एंड दिस ऑन रोड इज क्लोज टू 20 लैक्स। कलर्स के लिए आपके पास 4 कलर ऑप्शन है। ऑलराइट, बहुत सभी डिस्कस कर लिए पूरा गाड़ी के डिटेल्स के बारे में। अभी जो मेन है एग्जॉस्ट नोट, एग्जॉस्ट नोट इसका कैसा है अभी देखते हैं। सो सिंस इट्स अ बॉक्सर इंजन, एक तरफ आपको थोड़ा पुल करेगा। सो एग्जॉस्ट का जो यूनिक वाला पार्ट है कि एग्जॉस्ट इस तरफ है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई एग्जॉस्ट तो उस तरफ रहना चाहिए, सब गाड़ी का उस तरफ रहता है, इसका क्यों इस तरफ है। सो एग्जॉस्ट नोट अभी देखते हैं। आप देख सकते हो मैं जब रेव कर रहा हूँ, गाड़ी एक तरफ की है, कैसा पुल कर रहा है मेरे को। लवली साउंडिंग मोटरसाइकिल, लवली राइट। एंड ये जो R90 है, ये एक ऐसा मोटरसाइकिल है जो कि लोग बहुत लोग खरीदते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट है। द थिंग इज दिस इज बेसिकली ए लाइफ स्टाइल मोटरसाइकिल, सो पीपल डोंट बाय दिस एज अ फर्स्ट मोटरसाइकिल। जिसके पास ऑलरेडी एक बाइक रहता है विच इज़ ऑलरेडी यूजिंग इट फॉर इज मेन रिक्वायरमेंट, ये बाइक ओनली वो लेते हैं जिसके लिए मतलब ऑफिस घर से, ये जस्ट खाली सिटी राइड्स के लिए हो गया, छोटा मोटा स्क्रैम्बलिंग के लिए हो गया, ऑफ रोडिंग थोड़ा बहुत हो गया, मतलब इट्स बेसिकली लाइफ स्टाइल बाइक, इट्स नॉट गोइंग टू बी योर मेन मोटरसाइकिल। अगर आपके पास और एक बाइक है जो मेन बाइक है आपका, देन दिस कैन बी योर सेकंड मोटरसाइकिल। एंड दिस इज मे बी वन ऑफ द रीजन व्हाई आई एम ऑलरेडी हैविंग अ डुकाटी स्क्रैम्बलर, बिकॉज अगर मतलब ये जो स्क्रैम्बलर वाला कैटेगरी में दे हैव गॉट लाइक 3 बेस्ट ऑप्शंस। BMW का ये आता है R90 स्क्रैम्बलर, सेकंड इज द ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 1200, एंड द थर्ड इज द डुकाटी स्क्रैम्बलर कैफे रेसर हो गया। डुकाटी स्क्रैम्बलर का 4-5 मॉडल्स है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्क्रैम्बलर वाला मॉडल, बिकॉज द प्राइस ऑफ दिस इज क्लोज लाइक 20 लैक्स ऑन रोड। ट्रायम्फ का अगर आप स्क्रैम्बलर 1200 देखते हो, दिस इज मतलब ट्रायम्फ का इज समवेयर अराउंड 12 लैक्स ओनली ऑन रोड, एंड डुकाटी का जो स्क्रैम्बलर है दैट रेंजेस ऑल द वे फ्रॉम 12 लैक्स टिल 20 लैक्स अगेन। सो अगर आपको स्क्रैम्बलर चाहिए एंड लाइक ए रियली बीफ्ड अप वर्सन, देन मे बी यू हैव गॉट लाइक 2 बेस्ट ऑप्शन। द फर्स्ट इज द डुकाटी स्क्रैम्बलर 1100 प्रो, एंड द सेकंड ऑप्शन इज दिस BMW R90। एंड स्क्रैम्बलर का मोस्टली ऐसा रहता है कि जो भी लोग स्क्रैम्बलर खरीदते हैं वो इसका ऐसे ही बेस गाड़ी खरीद लेते हैं, उसके बाद दे जस्ट गो मैड एट कस्टमाइजिंग दिस। स्क्रैम्बलर्स आर नोन फॉर कस्टमाइजेशन, इसमें इतना सारा ऑप्शन है मतलब कस्टमाइज करने के लिए। पीपल गो एट एंड चेंज द सीट्स चेंज हो जाता है, ये सस्पेंशन चेंज होता है, ये भी चेंज होता है बहुत। इसका तो पूरा नॉर्मल वाला पूरा क्लासिक वाला स्पीडोमीटर है, लोग इसको चेंज करते हैं, लाइट्स चेंज करते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे गार्ड्स लगाते हैं, क्योंकि यहाँ जो है गार्ड्स देख सकते हो यहाँ प्रोटेक्शन है ही नहीं, सो बेसिकली दे जस्ट गो एट एंड इंस्टॉल द गार्ड्स। इसको तो सबसे पहले रिमूव करते हैं, इसको टोटल रिमूव किया जाता है, ये जगह पूरा मतलब स्क्रैम्बलर की तरह काम करना चाहिए। दे जस्ट गो एट एंड रिमूव ऑल दो स्टफ। सो स्क्रैम्बलर यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन विद द स्क्रैम्बलर। इन केस यू वांट टू सी ए कस्टमाइजेशन वीडियो
स्क्रैम्बलर लेट मी नो, उसका मैं पूरा डिटेल्स में पूरा दिखा दूंगा कि कैसे लोग पागल की तरह स्क्रैम्बलर को एडिट करते हैं, कस्टमाइज करके चलाते हैं। टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस, ये वाला जो R90 स्क्रैम्बलर का सेगमेंट में और क्या क्या मोटरसाइकिल आपके ऑप्शंस में है। सो दिस इज R90 BMW, ये वाला आपको ऑनरोड विल बी 20 लाख। यही सेम सेगमेंट में आपको और द बेस्ट ऑप्शन इज द ट्रायम्फ का स्क्रैम्बलर 1200 एंड द थर्ड ऑप्शन इज द डुकैटी स्क्रैम्बलर। सो ये वाला इज ऑनरोड 20 लाख, Triumph का स्क्रैम्बलर 1200 ऑन रोड विल बी क्लोज टू 13 लाख एंड डुकैटी का स्क्रैम्बलर ऑन रोड विल बी क्लोज टू 18 लाख। सो यही तीन बेस्ट ऑप्शन है एंड दिस इज नॉट ए मोटरसाइकिल फॉर देम हु इज लुकिंग टू पे लाइक 20 लाख एंड लुक फॉर ऑल द फीचर्स, ये उनके लिए नहीं है। दिस इज बेसिकली मोटरसाइकिल हु इज लुकिंग फॉर जस्ट प्योर राइडिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ फीचर्स। अगर आप बोलते हो कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, इसमें क्यों मतलब क्विक शिफ्टर नहीं है, ऑटो ब्लिपर क्यों नहीं है, बड़ा वाला डिजिटल वाला स्क्रीन क्यों नहीं है, नेविगेशन क्यों नहीं है, गाना क्यों नहीं बज रहा है, 20 लाख हमने पे किया, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, दिस इज बेसिकली रेट्रो मोटरसाइकिल फॉर विंटेज, मतलब विंटेज लवर्स, रेट्रो लवर्स, दिस इज द रीजन वाई स्क्रैम्बलर एंड स्क्रैम्बलर है, रेट्रो मोटरसाइकिल है, दिस इज द रीजन वाई डजंट हैव ए फ्यूल वाला गॉज, फ्यूल वाला गॉज भी नहीं, आप देख भी नहीं सकते कितना ये मतलब जाएगा, लोग बोलेंगे 20 लाख दिया मैंने, बाकी गाड़ी कितना जाएगा उनको अपने को मालूम ही नहीं पड़ता। दिस इज बेसिकली इज द स्पेशलिटी ऑफ स्क्रैम्बलर्स और द रेट्रो मोटरसाइकिल्स। सो दिस इज बेसिकली लाइफ स्टाइल मोटरसाइकिल फॉर पीपल हु इज ऑलरेडी हैविंग अदर बाइक्स एंड दे जस्ट नीड वन मोटरसाइकिल जस्ट टू हैव दैट मतलब नाइस स्क्रैम्बलर वाला रोड प्रेजेंस और मे बी हैव दैट मोटरसाइकिल विच एक्चुअली लुक्स ग्रेट इन द आर्सेनल एंड जस्ट कैन यूज इट फॉर लाइक ऑफिस टू होम लाइक small town or city, right? So this is basically for them. So this is what my final verdict is. I absolutely love the R90 and absolutely love it how it looks. And the best part is the 719 edition which doesn't come to India. It absolutely looks rad. Baki wo India mein bhi aata nahi hai. So this is basically all the details about the R90. So that's all about this BMW R90 Scrambler and let me know what you think about this motorcycle and if you have got a budget of like 20 lakhs, are you going to go for this motorcycle or something else? Let me know in the comments and और ये R90 के ऊपर आपको क्या क्या वीडियोस देखना है let me know, उसका भी अपन एक एक करके वीडियो बनाएंगे। I will see you guys with a new video.